हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे सूजी से बनने वाली एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, सूजी पुलाव। इसके लिए पहले मैं 1 टीस्पून घी पैन में ऐड कर दूंगी, फिर मैंने 1 कप पीनट लिया है, उसको फ्राई कर लूंगी। पीनट्स फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसको निकाल लूंगी। अब मैं सूजी को रोस्ट करके निकाल लूंगी। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम सूजी लिए हुए हैं। अब मैं पैन में 1 टीस्पून घी फिर से ऐड करूंगी और थोड़ा सा सरसों का तेल भी ऐड करूंगी। आप चाहें तो पूरा घी भी ले सकते हैं। तेल गर्म होने पर मैंने यहाँ पर 2 तेजपत्ता, 3 हरी इलायची, 5 लौंग, 1 जावित्री और 1 छोटे स्टिक दालचीनी के लिए हुए हैं, उसको ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून जीरा ऐड करूंगी और 4 से 5 सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर दूंगी। लाल मिर्च ऐड करने के बाद मैंने 1 प्याज चॉप करके लिया है, उसको भी ऐड कर दूंगी। और प्याज को थोड़ी देर सौटे करना है, ज्यादा लाल नहीं करना है। प्याज को थोड़ी देर सौटे करने के बाद मैंने 1 बड़ा आलू को छोटे छोटे पीसेज में कट करके ले लिए हैं, उसको भी ऐड कर दूंगी। आलू ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करना है, फिर अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड कर देना है और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद कुछ देर सौटे करना है और ढक के आलू के हाफ डन होने तक पका लेना है। आलू तकरीबन पक गया है, बस थोड़ा सा कसर बाकी है। अब मैं इसमें 1 टोमेटो ऐड कर दूंगी और टमाटर ऐड करने के बाद मैं कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पर बीन्स, गाजर और हरी मिर्च लिया है, उसको ऐड कर दूंगी। आपके पास अगर मटर हो तो जरूर ऐड करें, मेरे पास आज मटर नहीं था। और इसको थोड़ी देर फिर से सौटे करना है। तकरीबन 7 मिनट तक सब्जी को मैंने ढक के पका लिया था। अब सब्जी अच्छी तरह से गल गए हैं। अब मैंने जो सूजी को रोस्ट करके रखा था उसको ऐड कर दूंगी और सब्जी के साथ 2 से 3 मिनट तक उसको सौटे करूंगी। फिर मैं मूंगफली को जो रोस्ट करके रखी थी उसको भी ऐड कर दूंगी। मूंगफली को ऐड करने के बाद अब पानी ऐड करना है और पानी एक बार में ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाना है और सूजी को चलाते जाना है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा पानी ऐड किया और पानी को सूजी में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इस तरह से ये प्रोसेस कम से कम 3 से 4 बार दोहराना है। मैंने यहाँ पर 3 से 4 बार इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर दिया है और सूजी तकरीबन पक गया है, लेकिन एक दूसरे से चिपका नहीं है। अब मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी और ढक के बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 5 मिनट तक फिर से कुक करूंगी। इसका टेक्सचर बिल्कुल उपमा से अलग होता है। उपमा थोड़ा स्टिकी स्टिकी होता है और ये बिल्कुल खिला खिला पुलाव के जैसा होता है। तो मैंने फिर से पानी इसमें ऐड कर दिया है और ढक के बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूंगी। 5 मिनट के बाद देखिए कितना खिला खिला सूजी तैयार हुआ है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। फ्रेंड्स, एक बार आप सब इस रेसिपी को ट्राई करके देखना जरूर, और अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।